हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो वाई 36 डिवाइस के अंदर आप लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज कैसे करें। दोस्तों, आप अपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको आप ऑटोमेटिक चेंज कैसे करेंगे और वहां पे नए नए वॉलपेपर को डाउनलोड करके यूज कैसे करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, एक बार अपनी स्क्रीन को हम यहाँ पर लॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं जो हमारे लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। इसको लाइट को ऑन करते हैं तो हमारे जो वॉलपेपर यहाँ पे आते हैं। तो इस तरह से आप अपने लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग को ओपन करते हैं, सेटिंग में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये लॉक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वॉलपेपर है यहाँ पे थीम्स, और नीचे आपको कुछ सेटिंग मिल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग, आप देख रहे हैं पे ऑप्शन आ रहा है लॉक स्क्रीन सेटिंग। तो आपको इस पर क्लिक करना है येलो ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉक स्क्रीन पोस्टर आपको ऊपर में मिल जाता है, लॉक स्क्रीन पोस्टर आपको उस पर क्लिक करना है, येलो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है ये सेटिंग आपके फ़ोन में शो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ऑप्शन है जिसको आप ऑफ करेंगे तो आपके फ़ोन में ये सेटिंग जो है यहाँ पे शो नहीं होगा। तो आप इसको हम एक बार ऑफ कर दिए हैं, तो आप देख रहे हैं जो हमारे सेटिंग यहाँ पे अभी सभी ऑफ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, इसके बाद नीचे आपको बटन आ जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रोटेट वॉलपेपर, आपको इसको भी इनेबल करना है, ये वाले बटन को आप जिसको इनेबल कर देंगे। और इसके बाद नीचे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन पोस्टर वेट, आपको इसको भी इनेबल करना है। और इसके बाद नीचे आपको मिलता है अपडेट रिमाइंडर। तो दोस्तों, जो आपने ये दोनों ऑप्शन ऑन किया आपके फ़ोन में, इससे आपका जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो चेंज होने लग जाएगा। ये वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपका जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो चेंज होने लग जाएगा। नीचे आपको मिलता है अपडेट रिमाइंडर। तो दोस्तों, जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है उसको आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में उसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको नीचे मिलता है अपडेट रिमाइंडर, आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और नीचे आपको मिलता है ऑटो अपडेट वॉलपेपर यूजिंग मोबाइल डाटा। दोस्तों, आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा और आपके फ़ोन में यूज होने लग जाएगा। आपको उसको डाउनलोड यूज कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको ये दोनों बटन को इनेबल कर देना है और आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और यूज भी होने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको इनेबल करके यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जब भी आप अपने स्क्रीन का जो लाइट है उसको ऑन ऑफ करेंगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस तरह से आपको अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन का जो वॉलपेपर है उसको चेंज करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।